नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा आनंदा ने बहुत कम उम्र में अपने खेल का लोहा मनवाया है। वो लगातार अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं और इतिहास भी रच रहे हैं। सोमवार को इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा ही किया। प्रज्ञा आनंदा ने फाइट वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फाबियानो कुरुआइना को 3.5, 2.5 से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने ये मुकाबला टाई ब्रेक में जीता। इसी के कारण प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे दूसरे भारतीय बन गए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीती थी, फिर 9 साल की उम्र में अंडर 10 टाइटल अपने नाम किया था। वे ग्रैंड मास्टर बनने वाले दुनिया के 5वें सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। फाइनल में इस खिलाड़ी का सामना 5 बार के चैंपियन नॉर्वे के मैगजन कार्लसन से होगा। कार्लसन ने सेमीफाइनल में अरब बेजान के निजात अबा सोप को 1.5, 0.5 से हरा फाइनल में जगह बनाई है। प्रज्ञानंदा और फाबियानो के साथ क्लासिकल सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त की और फिर टाई ब्रेक में मैच जीता। प्रज्ञानंदा दिग्गज विश्वनाथ आनंद के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। आनंदा की गिनती महान शतरंज खिलाड़ी में होती है और ये युवा खिलाड़ी भी इस तरह पर चल रहा है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही प्रज्ञानंदा ने अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के फाइनल में भी जगह बना ली है। इसी के साथ 18 साल के प्रज्ञानंदा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले दिग्गज बॉकी फिशर और कार्लसन ने ये काम कर चुके हैं। आनंदा के ट्वीट करते हुए इस खिलाड़ी की तारीफ की और इसे शानदार बताया। प्रज्ञानंदा ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस टूर्नामेंट में उनका सामना कार्लसन से होगा। उन्होंने कहा कि कार्लसन से मुकाबला फाइनल में ही हो सकता था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो फाइनल में पहुंचेंगे। फाइनल को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ ही कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।